A capacitor of capacity C1 is charged to voltage V. तो आपके पास एक कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है. Now this capacitor is connected to another capacitor of capacity C2. तो ये है C1, ये है C2. इसके अक्रॉस का पोटेंशियल देखो इनिशियल कितना है, V है, एंड C2 इज अनचार्ज. तो जैसे ही हम लोगों ने दोनों को कनेक्ट किया तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम C1 टू C2, अनचार्ज चार्ज कैपेसिटर टू अनचार्ज कैपेसिटर, जिसकी वजह से पोटेंशियल दोनों का चेंज होगा. अब ये चार्ज फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल. तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Vc इज इक्वल टू C1V1 + C2V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2. तो ये क्या आ जाएगा, C1 है, V1 है, C2 है, V2 जीरो है बिकॉज अनचार्ज है इनिशियली, C1 + C2. तो कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, C1 by C1 + C2 into V आ जाएगा. तो C1 by C1 + C2 into V will be option B is a correct one, right?